कंगना रनौत का बॉलीवुड पर फिर एक बार निशाना, कहा मत बनाओ हिंदू नफरत का नैरेटिव, हिंदुत्व पर किया ट्वीट, बॉलीवुड को दी नसीहत। वेल, एक तरफ जहां देश आज शाहरुख खान की फिल्म पठान के सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ट्विटर पर एक्टिव हो चुकी है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने फिर एक बार तीखी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। अब 28 जनवरी की सुबह 6:55 पर कंगना रनौत ने बॉलीवुड और पठान पर निशाना साधते हुए हिंदुत्व का नारा लगाया है। इसके साथ ही बॉलीवुड को एक बार फिर धमकी भी दे दी है। कंगना रनौत टीम ने ट्विटर पर लिखा है, बॉलीवुड वालों, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करना कि इस देश में तुम हिंदू नफरत से पीड़ित हो। अगर मैंने फिर से ये शब्द सुना, नफरत पर जीत, तो तुम लोगों की वही क्लास लगेगी जो कल लगी थी। अपनी सफलता का आनंद लो और अच्छा काम करो, राजनीति से दूर रहो। कंगना रनौत हमेशा से ही अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियां में रहती है। पठान फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही वो लगातार ट्वीट कर कुछ न कुछ बयान जारी कर रही है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पापा जो यानी करण जौहर पर भी निशाना साधा था। बताते चले कि एक ट्विटर यूजर ने शाहरुख की पठान के कलेक्शन को लेकर भी कंगना को ताना मारा था। कंगना ने भी इसका करारा जवाब दिया था। डॉक्टर नीमो यादव नाम के यूजर ने कंगना के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, पठान की एक दिन की कमाई आपकी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा है। इस पर कंगना ने जवाब देते हुए कहा, नीमो भाई, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। मैंने अपना घर, अपना ऑफिस, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए, जो भारत के संविधान और एक महान राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम का उत्सव मनाएगा। पैसे सभी कमा लेते हैं, ऐसा कोई है जो ऐसे उड़ाए? वेल, बात की जाए कंगना के आज के ट्वीट की, तो कंगना के इस ट्वीट को सलाह के साथ साथ धमकी भी कहा जा सकता है। आपके क्या रिएक्शंस हैं इस ट्वीट पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ फॉर मोर एंड मोर गॉसिप्स एंड न्यूज़।